आज हम लोग उल्टा फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे. फ्रिक्शन बेसिकली टू टाइप्स होता है, ड्राई फ्रिक्शन एंड वेट फ्रिक्शन. इस चैप्टर में हम ड्राई फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे. ड्राई फ्रिक्शन को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक एंड काइनेटिक. स्टैटिक्स का मतलब, पहले तो फ्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे. पहले तो फ्रिक्शन के बारे में क्या होता है उसके बारे में बताएंगे. तो मेरा नाम पीयूष कुमार सिंह है, चलिए हम लोग आपको फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं. तो फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान समझिएगा. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन आर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. सिंपल सी बात है कि जब किसी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा, तो वहां पे क्या आता है, एक फ्रिक्शन फोर्स आता है जो इसका क्या करता है, अपोज करता है. तो फ्रिक्शन जो है बेसिकली हम लोग मानते हैं कि इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं. एक ड्राई होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा, वेट होता है. ड्राई को फर्दर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड काइनेमैटिक्स. ठीक है, इसको फर्दर दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. एक होता है स्लाइडिंग और दूसरा होता है रोलिंग. ठीक है, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो चलिए ध्यान समझते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन होने के कारण क्या, काजेज. दो व्यू है, ओल्ड व्यू है और मॉडर्न व्यू है. ओल्ड व्यू कहता है कि अगर कोई बॉडी है तो उनके बीच जो सरफेस होता है उसमें रफनेस की वजह से, जैसे अगर आप देखा जाए कि ऐसा कुछ सरफेस बना हुआ है और इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए तो इनके बीच ऐसा होता है, इनका रफ सरफेस होता है जिसको देखा जाता है ऐसे. तो इस बॉडी, मान लीजिए ये है ए है और ये क्या है बी है, तो इनके बीच इंटरलॉक्ड हो जाता है, तो जिससे इस मोशन क्या करता है, अपोज करता है. ये हमारा क्या होता है, ओल्ड व्यू. अगर हम इसको साफ कर देंगे तो नहीं होगा, यानी चिकना हो जाएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा उसको स्मूथ करने पे फ्रिक्शन और बढ़ जाता है. तो मॉडर्न व्यू के हिसाब से क्या बोलता है कि दो बॉडी हैं तो इनके बीच, मैं ऐसे बना लेता हूं आपके लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ये बी है. तो इनके बीच जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उनके बीच, आप समझ लीजिए कि भाई कोई सिस्टम होगा, इसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलग होंगे, तो उसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रखा है, नहीं मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स लगने लगता है. तो अब वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से. तो जितना ज्यादा इनके में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. तो अगर हम इसको स्मूथ कर देंगे तो इनके बीच पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा तो यहां पे फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा. तो मॉडर्न व्यू कहता है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है और ओल्ड व्यू कहता है रफनेस जो होते हैं उनके इंटरलॉकिंग की वजह से होते हैं. फिलहाल आइए, तो हमारा लॉजिक था हम देख लिए, लेकिन चलिए हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में. ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, सब चीजें हैं, उसके ग्राफ, फिर उसके न्यूमेरिकल कैसे ऑपरेट करते हैं, चीजों को देखिएगा, समझ में आएगा आपको अच्छे से. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, बेटा ध्यान सुनिएगा. हाँ, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि एक हम समझाने के लिए कि एक बॉडी होती है, उस बॉडी को ऐसे रखते हैं, ठीक है, और यहां पे अगर हम बात करें इससे तो इस पे फोर्स लगाएंगे तो उस टाइम पे यहां पे एक फोर्स लगेगा, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. अगर इसका वेट हम नीचे ऐसे दिखा दें और नॉर्मल फ्रिक्शन ऊपर लगा दें, तो अभी क्या है कि अगर बॉडी नहीं मूव करती है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और बॉडी मूव कर जाए उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने लगे तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. फिलहाल यहां हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. तो इन जनरल जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन के होता है, और इसको हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं जिसे फ्रिक्शन कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट ऑफ
म्यू एस वो क्या होता है, यूनिटलेस, इसकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल के टर्म में। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं उनके बीच ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन ना हो, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो समझिए थोड़ा सा ग्राफ के उसमें एक वर्ड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेसिकली बेटा, हम आपको बताएंगे अभी ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा समझिएगा ऐसे, ऐसे ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, कभी कभी बड़ा अप्लाइड फोर्स। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच बॉडी जस्ट स्लाइड इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, या देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब जस्ट होने वाली हो, बॉडी मूव करने वाली हो, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा जैसे बॉडी मूव करेगी, और उस फ्रिक्शन को बोलेंगे वो कॉन्स्टेंट जाएगा, क्या होगा एफ के। और यहां पे बॉडी क्या है, रेस्ट में है, और यहां पे बॉडी क्या है, मोशन में। ये जो है फ्रिक्शन फोर्स वर्सेज अप्लाइड फोर्स का ग्राफ होता है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट ग्राफ था, आपको समझ में आ गया होगा, फिलहाल इसको हटाते हैं, ध्यान समझिएगा, अभी दो मिनट के अंदर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे पहले बेटा इसमें एक लॉजिक होता है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाएंगे अच्छे से, सिर्फ डायरेक्शन, अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, सुनिएगा ध्यान से, सिर्फ डायरेक्शन कैसे फटाफट एक डायरेक्शन निकालते हैं। तो तीन तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे सिस्टम है, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। अगर हाँ ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, ठीक है, और ये हमारा ऊपर लग रहा है, ठीक। तो यहां पे आप देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा, म्यू एन, और जस्ट बॉडी रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होगा। और अगर हम इसी चीज को समझाएं तो एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, कि बॉडी मूव कर रही है तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए हमारे पास, ध्यान समझिएगा, यहां पे बॉडी मास m है और ये मूव नहीं कर रहा था, यहां पे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे ऐसा आ जाएगा। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव कर रही है, तो इस टाइम पे हम देखेंगे कि यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक हो जाएगा, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ वो कम हो जाता है। इधर मूव कर रहा था, यहां पे बस एक चीज लिखना है कि एफ के इक्वल टू तो आपका वही होगा म्यू के इंटू एन, लेकिन अभी क्या होगा, एफ माइनस एफ के इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम ए। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। सेम लॉजिक अगर हम बात करेंगे इसके बारे में कि सपोज करिए हमारे पास कोई बॉडी, ठीक है, और बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक। तो यहां पे ऐसे हम बात करते हैं फटाफट तरीके आपको समझाने के लिए कि यहां पे फोर्स लग रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा इस लाइन पे, और ऐसे एक लाइन बना लेते हैं, इसका ये वेट काम करेगा ऐसे, ठीक। और अब ये देखिएगा कि इधर एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, आपको पता है कि mg sin थीटा, और इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या होगा mg cos थीटा हो जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर cos आ जाता है। तो यहां पे ध्यान से देखना ये है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो इधर जो फ्रिक्शन लगेगा वो जो इसका मोशन का अपोज करेगा ना, वो क्या होगा fs,
तो यहां पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के, एफ एस किसके इक्वल होगा, म्यू एस इंटू एन के, और एफ जब बॉडी मूव नहीं कर रही है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इसके एवज में अगर हम इस वाले तरफ चले तो यहां पे अगर बॉडी मूव कर जाए, ध्यान समझिए कुछ करना और नहीं है, बस आपको समझाना है कि अगर मोशन होगा तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का यहां पे हम लोग ऐसे जैसे पहले बनाया था वैसे फिर से बना लेते हैं ऐसे कि ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये हमारा थीटा मास एम है। तो अगर देखा जाए तो इसका एम जी आएगा, इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या होगा बेटा, एम जी साइन थीटा होगा। अब ये बॉडी अगर आगे तरफ मूव कर रही है तो यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अपोज तो वो भी करेगा लेकिन वो क्या होगा, एफ के, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो यहां पे जब देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के, पहली बात। एफ के किसके इक्वल होगा, म्यू के इंटू एन के। दूसरी बात कि एम जी साइन थीटा ज्यादा है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल टू, यहां पे वर्ड आएगा एम ए, तो सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा कैसे करके। तो इसमें दो बातें और आती हैं। सबसे पहली बात इसमें आप क्या आता है, ध्यान समझिएगा, इसमें एक नई चीज आने वाली है, फ्रिक्शन एंगल और एंगल ऑफ रिपोज। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर हम दो बॉडी कब एक साथ मूव करेगी कब नहीं मूव करेगी उस पर बात करेंगे। तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा आता है एग्जाम में कभी कभी, ठीक है, तो इसको समझिएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज। तो उसमें क्या होता है बेटा कि मान लीजिए हम एक छोटा सा एक बॉडी लेते हैं, ठीक है, और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो अभी कुछ नहीं करना है, आपको समझना है लॉजिक क्या है इसका कि हाँ, और इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं इधर तरफ, फ्रिक्शन, ऐसे भाई फ्रिक्शन फोर्स लगा लेते हैं। अब आप देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, तो इनका एक रिजल्टेंट होगा बेटा, और मैं आपको बताता हूं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, कोई भी रिजल्टेंट तो होना ही है, दो फोर्स का रिजल्टेंट होता है। तो मान लीजिए हम इसको बना लेते हैं ऐसे पहले, तो फिर आपको समझाते हैं ये ऐसे। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट पी फर्दर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी क्या होना है इसमें बेटा, ध्यान समझिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा अगर आप मान लीजिए देखेंगे तो ये वाली जो लेंथ होगी ये वाली, वो भी तो एफ के इक्वल है, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एफ अपॉन बेस का मतलब एन, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन अपॉन एन, तो यहां से एन कट जाएगा और टेन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, म्यू। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो यहां पे एस लग जाएगा, यहां पे एस लग जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, एस, तो यहां पे एस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके एवज में अगर हम एंगल ऑफ रिपोज पूछे, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, तो उसमें कुछ खास नहीं है, वह मिनिमम या मैक्सिमम इंक्लाइनेशन जिस पर किसी बॉडी को रखा जाए और बस बॉडी मूव करने वाली, जस्ट स्लाइड डाउन, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का हिसाब किताब हो जाए एक तरीके से, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो मान लीजिए एक बॉडी रखी हुई ऐसे, अब मूव नहीं कर रही, लेकिन इसके बाद अगर कर देंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। तो देखिए यहां से हम समझा देते हैं आपको कि ये तो हमारा जी हो गया, वेट नीचे लगेगा एम जी, एम जी लग जाएगा और ये क्या होगा थीटा, तो ये क्या होगा बेटा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे हाँ, यहां पे हम बात करेंगे ऐसे करके एम जी साइन थीटा, ठीक। हमें क्या करना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, अब आप बताइएगा तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ एस लगेगा क्योंकि बॉडी उसके जस्ट बाद डाउन आएगी, तो यानी कि वह मैक्सिमम इंक्लाइनेशन आफ्टर विच या उसके बाद आप कह सकते हैं बॉडी जस्ट स्लाइड डाउन होने लगे, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहां पे आप देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन किसके, नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी
कॉस थीटा, अगर ऐसा है तो यहां से एम जी कॉस थीटा क्या आ जाएगा आप बताइएगा, एन एन आ जाएगा, या आप एम जी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताइएगा हमको अच्छे से, फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस एन की वैल्यू क्या है एम जी कॉस थीटा, तो यहां से एम जी साइन थीटा, एम जी से एम जी कट जाएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा को इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा म्यू एस, यहां से भी एक लेसर निकल गया था टैन थीटा इक्वल टू म्यू एस म्यू एस, तो यानी आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो गया, वो अलग तरीके से है अलग तरीके से बट फ्रिक्शन सेम हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप की चीज पढ़ेंगे। हाँ अभी तो ये सिंपल सा था, बेसिक्स थे ये खत्म, अब हम थोड़ा सा हल्का सा स्पेशल टाइप की चीज पढ़ेंगे। सपोज करिए हाँ बेटा, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि इसमें पुश भी हो सकता है पुल भी हो सकता है, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब पीछे से उसे धक्का मारना। तो कहते हैं कि पुल इजियर देन पुश करके देख लेते हैं, उसमें क्या है हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और भाई जो फोर्स कम आएगा वो आसान हो जाएगा, ये प्रूफ कर लेंगे। तो अभी हम यहां पर लिख लेते हैं पुश, या चलो पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो पुल वाले केस में क्या होगा कि मान लीजिए ऐसे बॉडी है, समझिएगा लॉजिक है और कोई बड़ी चीज नहीं बता रहे हम आपको, कि यहां पे एक बॉडी रखा हुआ है और पुल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई यहां से एंगल ऐसे बना लेते हैं और ये जो है इस पे आगे तरफ खींच रहा है इसको एफ फोर से, ठीक है। तो और ये एंगल क्या है थीटा, ठीक। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मल रिएक्शन इस पे किधर लगेगा, ऊपर नीचे, ठीक। ये तो हमारा mg हो गया और ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये तो फिक्स है। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, किस फोर्स को, इस फोर्स के, तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा f cos थीटा, जिसकी वजह से ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा पीछे की तरफ, और मूव नहीं कर रहा है तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक कंपोनेंट बेटा इसका किधर लगेगा, इस पे ऊपर की तरफ, और वो क्या होगा बेटा ये देखिए ऐसे, वो होगा हमारा f f sin थीटा। तो अब इसका जब इक्वेशन बनाएंगे तो n नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा माइनस mg इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमें जो निकल के आएगा वो n इक्वल टू आएगा mg प्लस f सॉरी माइनस f sin थीटा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं f cos थीटा की, f cos थीटा किसके इक्वल होगा जब बॉडी नहीं मूव करेगी, fs के, fs की वैल्यू किसके इक्वल होगी म्यू s इंटू एन, और आप देखेंगे म्यू s यहां से n की वैल्यू डालेंगे तो ये mg माइनस म्यू s f sin थीटा आ जाएगा, तो यहां पे हमारे पास होगा f cos थीटा। इस टर्म को इधर लाएंगे f कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस म्यू s sin थीटा इक्वल टू क्या होगा म्यू s mg, तो यहां से हमारे पास जो फार्मूला आएगा म्यू s mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू s sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा। अच्छा फिर हम क्या करते हैं बेसिकली बेटा ध्यान समझिएगा कि करना क्या है और समझना क्या है उसको देखिएगा। ये हमारा एक तरीके से पुल आ गया, तो अगर हम कहो तो यहां छोटा सा पुल लिख दें, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं पुश की, ठीक है। पुश सेम लॉजिक अप्लाएंगे, बॉडी मूव नहीं करेगी, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो अगर हम पीछे से फोर्स लगा रहे हैं तो लॉजिक देखिए सेम है, ऐसा कुछ नहीं अलग से हो रहा कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही था, इसका वेट नीचे आना ही था नॉर्मल, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे वो इसके हाँ ऐसे
और ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहां से ऐसे, ठीक है। ये हमारा फोर्स है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से उस वाला हिसाब किताब हो गया ऐसे, ठीक। अब आप देखिएगा इसके कितने, इसके एंगल कितने हैं, इसके एंगल देखिए ध्यान से, वहां पर रख दिया है रेड मार्कर, तो इस चीज को हम ले लेते हैं यहां पे। ये एंगल क्या है, थीटा, ठीक है, ऐसे थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर से होगा, वो क्या होगा बेटा, एफ कॉस थीटा। तो जब इधर की तरफ जाएगा तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, बोलो, वो एस। और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा यहां पे, ठीक है, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक। और ये ध्यान समझिएगा, ये कितना आएगा, एफ साइन थीटा। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, एन माइनस एफ साइन थीटा माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, मान लेते हैं वन, मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी दूसरा स्टेप क्या होगा कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, एफ एस, तभी बॉडी मूव नहीं करेगी, अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इक्वल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल हो जाएगा तो मूव नहीं करेगी। तो उस केस में बेटा यहां पर देखिए एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एस एन हो जाएगा, या म्यू एस इसकी वैल्यू रख देंगे तो एम जी प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन क्या होगा, म्यू एस एम जी, देख रहे बेटा। तो अभी क्या होगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, सॉरी माइनस, यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर हम पुश की बात कर रहे हैं, पुश की, तो पुश में नीचे क्या आ रहा, माइनस, पुल में नीचे क्या आ रहा है, प्लस। माइनस आने की वजह से डिनोमिनेटर कम हो रहा है, जिससे पुश क्या हो जा रहा है, ज्यादा, और यहां पे प्लस होने से डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है, जिससे पुल क्या हो जा रहा है, कम। तो यानी कि ये कम है और ये ज्यादा है, तो जो कम है वो आसान है, यानी यहां से दिख के लग रहा है कि पुल एफ पुल से ज्यादा क्या है, एफ पुश। तो पुल इजियर देन पुश, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम बात करते हैं बेटा कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग के बारे में। तो ऐसा कब होता है, कभी मान लीजिए एक दो बॉडी हमारे पास है, ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, तो एक बॉडी नीचे है तो ऐसे लगाते हैं और आसान है, इतना टफ नहीं है। और स्लाइडिंग, कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग का केस है, तो इस पर एक बॉडी रखी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसे ये रखा हुआ है, ठीक, ऐसे, ये हमारा क्या है, M है, और ये हमारा क्या है, कैपिटल M है, और इस पे फोर्स लग रहा है। यहां पे स्मूथ है, मतलब यहां पे अगर फ्रिक्शन की बात की जाए तो जीरो है, और यहां पे म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू। सबसे पहले क्या सोचते हैं इसमें, स्लाइडिंग कंडीशन क्या होती है, स्लाइडिंग कंडीशन देखिए ध्यान से, बात करते हैं स्लाइडिंग कंडीशन की। तो इसमें कैसे हम सोचेंगे, सबसे पहले हमें यह मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही हैं,
तो अगर ऐसा मानेंगे तो मान लेते मूव करेंगे तो वो एफ इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। तो a इक्वल टू हमको पता लग गया कि f अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल m, ये तो निकाल लेंगे, ठीक। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, सबसे पहला काम अब क्या करेंगे, लिमिटिंग, पहला काम तो ये हो गया कि हमने ये मान लिया कि ऑल बॉडी मूव टुगेदर, सबसे पहले। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए कुछ करना थोड़ी ना है, इस बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, तो वो क्या होता है, f इक्वल टू म्यू इंटू एन, ये कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अभी अगर पूरा सिस्टम इधर जा रहा है तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा, अभी क्या करना है कि मेरे को इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स कितना लगेगा, एम में लगेगा, और यहां पे इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा। अगर ध्यान दीजिएगा, एम ए ग्रेटर देन एफ है तो डज नॉट मूव टुगेदर, ठीक है। अगर एम ए सूडो फोर्स लेस देन फ्रिक्शन फोर्स है तो बोथ बॉडी मूव्स टुगेदर, ये दिमाग में रखना, बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें कभी कभी ये बस इतना ही, एक से तीन हो जाएगा तो भी यही नियम लगना है, अगर ऊपर वाले फोर्स पे लगता है तब तो कोई टेंशन नहीं, तब तो हमें सूडो फोर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नीचे वाले पे लग रहा है तो हम इस पे सूडो फोर्स चेक करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे फ्रिक्शन, लास्ट टॉपिक है इसका, कि कैसे हम लोग फ्रिक्शन को फाइंड आउट करेंगे किधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए करते क्या है, सुनिएगा ध्यान से, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हम आपको, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, जैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, फिर इसको और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और मान लेते हैं इससे बड़ा नहीं कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब हाँ ये सबसे आप इसके बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर इसके इसको समझ लेंगे आप तो ठीक है, हाँ ऐसे ठीक है, ये हो गया, और ये लॉजिक यहाँ पे, तो मान लीजिए ये M2 है, 3 है, ये M2 है, और ये क्या है M1 है, यहाँ पे म्यू थ्री है, मैं हर जगह फ्रिक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे म्यू टू है और यहाँ पे म्यू थ्री, मैं सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बता रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शन, बाकी आगे तो जो कंडीशन होगी उस हिसाब से देखा जाएगा म्यू कितना है कैसे है सब कुछ देख लिया जाएगा। तो अगर इसमें सबसे पहला केस क्या है कि फोर्स हम यहां लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स हम यहां लगा रहे हैं, अभी क्या होगा फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है, तो सबसे पहले इनको सेपरेट कर लीजिए आप, ये हमारे पास क्या हो गया M1 हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया बेटा M2 हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया M3, सबसे पहले अगर फोर्स, लेकिन जिस बॉडी पे फोर्स लगे सबसे पहले देखिए फोर्स इस बॉडी पे किधर लग रही है, इधर, अच्छा ये दोनों एक सरफेस है, ये दोनों अलग सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है, तो अगर हम बात करेंगे फ्रिक्शन की तो बेटा यहां पे याद रखिएगा एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस मोशन क्या करेगा अपोज, और वही फ्रिक्शन इधर लगेगा F1, जब फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इधर भी एक फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा F2, जो इधर लग रहा है वही इधर लगेगा F2, और जब F2 इधर लग रहा है इधर क्या लगेगा बेटा F3, तो ये एक तरीका होता है फ्रिक्शन समझने का, ठीक। अब हम बात करते हैं कि अगर ये यहां से हट जाए और कहां लगे, इस पॉइंट पे लगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप समझिए ध्यान से, ये सब हमसे इससे मतलब नहीं है, अभी तो हम इसको फिर से देखेंगे, ठीक है, क्या है कैसे है, इंसर्ट के ही हट जाएं आप, पहले यहां पर लगाते हैं
तो अब इससे भी मतलब नहीं है जिस बॉडी, अब देखिए ये बॉडी ऐसे पकड़ लीजिए तो ये आगे जा रहा है तो इस पे भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इस पे भी पीछे लगेगा। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं इस पे तो ये क्या होगा, ये किसके बीच है, टू ओ थ्री, यहाँ पे एफ टू लगेगा और ये वन के बीच में है तो यहाँ क्या लगेगा, एफ वन लगेगा। तो इस पे किधर लगेगा, F1 इधर लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर इस पे F1 लग रहा है तो ऊपर वाले पे F1 इधर लगेगा, F2 इधर लग रहा है तो नीचे वाले में F2 इधर लगेगा, और F2 इधर लग रहा है तो F3 किधर लगेगा बेटा, इस साइड लगेगा F3, ठीक है। ये हो गया बेटा एकदम सिंपल, जिस बॉडी पे फोर्स लगे माय डियर उसी बॉडी को उसी बॉडी से स्टार्ट करते हैं, गलती होगी नहीं कभी, ठीक है। अच्छा हमें याद रखना है हर चीज बिना टेक्स्ट बुक के, आजकल बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ना ही नहीं पसंद करते, उन्हें लगता है कि हर चीज का शॉर्टकट बेटा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। अब फोर्स हम लगा रहे हैं तीसरे बॉडी पे, अब ध्यान समझिएगा कि इसमें भी हम ऐसे इसको हटा लेते हैं, पहले हम समझा लेंगे उसका फिर बता देंगे इसको। मान लीजिए हाँ इसको भी हटा देते हैं, अभी क्या है कि किस पे फोर्स लग रहा है, एम थ्री पे। तो M3 पे जब फोर्स लग रहा है तो सबसे पहले आप M3 पे फ्रिक्शन देखिए, अब M ऐसे हाथ कर लीजिए, हाँ बेटा। अब जो सबसे पहले हम जो है अब इस पे लगा लिए, इस पे लगा लिए, थर्ड पार्ट पे लगना है तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, थर्ड पार्ट पे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिस पे M3 पे लगा रहे हैं फोर्स, सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं जिस बॉडी पे उसी बॉडी को सबसे पहले बनाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास है F लग रहा है, ये क्या है M3, तो यहां पे फ्रिक्शन इस साइड लगेगा क्योंकि अगर आप ऐसे पकड़ लीजिए ये आगे जाएगा तो ये भी पीछे जा रहा है और ये भी नीचे लगा, उठा भी पीछे जा रहा है, और यहां पे क्या होगा F3 लगना है और ये क्या लगना है बेटा F2 लगना है। तो जो इसके ऊपर वाला बॉडी है इस पे F2 इधर लगेगा, ठीक है बेटा, और जिसकी वजह से F1 इधर लगेगा और ऊपर वाले पे F1 किधर लगेगा बेटा, इस साइड लगेगा, F1 इधर लगेगा। तो ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया, ये M3 हुआ, बड़ा आसान सा था। तो अगर हम ये लॉजिक कर लेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद हम लोग एस सी वर्मा से ही इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे फटाफट, तो उसमें 30-35-40 क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, लास्ट के 15 क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, उनको कर लेंगे फटाफट ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक बेटा, ओके बेटा, ठीक, थैंक यू।